हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए एक क्वेश्चन आज क्वेरी पूछा गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट जब भी आपको कंपैरिजन करने को मिले तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस की स्टेबिलिटी से, लैटिस की स्टेबिलिटी से। जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी पैकिंग होगी, ठीक है, लैटिस पैकिंग आप बोल सकते हैं, तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉलिड है, कोई भी सॉलिड होगा, आप उसमें हीट करेंगे वो क्या होगा, मेल्ट करेगा लिक्विड में, ठीक है। तो इस सॉलिड में जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतने ही ज्यादा आपको क्या करना होगा, उसमें एनर्जी देना होगा, हीट करना होगा, तभी वो आपको लिक्विड में कन्वर्ट होगा और वही आपकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो यही हमें कंपैरिजन करना है कि जो ये ऑप्शंस 4 गिवेन है इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। फर्स्ट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेकेंड 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, थर्ड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब मुझे बताइए, ये फोर्थ ऑप्शन तो इन्हीं तीनों से रिलेटेड है, ये तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें सबसे ज्यादा पैकिंग जो है लैटिस जो होगी उसकी पैकिंग सबसे ज्यादा सॉलिड कब होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कब होगी, जब कोई ऐसा कंपाउंड हो जो सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल का केस में जो पैकिंग होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर हम पैकिंग देखें तो ये सिमेट्रिकल है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, इसीलिए ड्यू टू सिमेट्रिकल ये है आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर जो होगा वो होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कहीं भी आप लैटिस में इसको प्लेस करेंगे तो सिमेट्रिकली ये ज्यादा स्टेबल बना देगा, ठीक है। इस तरह के जब भी आपके क्वेश्चन होंगे तो हमेशा सिमेट्रिकल का ही लैटिस जो होगा जिसमें सिमेट्रिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और रही बात म्यू की, आप अगर डायपोल मोमेंट के बेसिस पे करते हैं तो म्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इस बात को आप ध्यान से रखें। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि जो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का होगा वही मेल्टिंग पॉइंट का होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। म्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के होता है, न कि मेल्टिंग पॉइंट। ये बात यहां पर समझ में आ गई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि मैकेनिज्म बेसिक्स है। मैकेनिज्म क्या है, फ्रॉम एल्कीन्स हम एल्कोहल्स, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं एडिशन रिएक्शन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं थोड़ा, एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकोफ रूल। ओके, मार्कोनिकोफ रूल आप सबको पता है, ठीक है, जो भी आपका रिएजेंट होगा उसका हाइड्रोजन पार्ट जो होगा वो तो कहाँ जाकर ऐड होगा, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो, एंड बाकी का जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा OH माइनस वो वहां पर जाकर लगेगा जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो। ये सारी चीजें आपको पता है, इसकी बेसिकली मैकेनिज्म हमें क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। मैकेनिज्म के ऊपर डायरेक्टली बात करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप वन,
प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब कुछ इस तरह से देखें, ये कोई एल्कीन है, ये हमें गिवन नहीं है कि सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये एल्कीन है प्लस एच प्लस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, H3O प्लस बना है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन से फिर H प्लस, ये जो है एल्कीन पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ है, एडिशन रिएक्शन हुई है। जरूरी नहीं है कि आप H3O प्लस बनाए, ठीक है। ये इमिडिएटली माइंड में सेट होता है कि आप कोई भी एसिड क्लाइज रिएक्शन करा रहे हैं तो आपके सॉल्यूशन में जो है H प्लस पहले से प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड के पास क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये अपना डबल बॉन्ड क्या कर देगा, इसको शेयर कर देगा। जैसे ही ये शेयर करेगा बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा तब लगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ये हमारा क्या होगा कार्बोकैटायन, ठीक। फर्दर इसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन हमारा जनरेट हुआ और हाइड्रोजन, ये हमारा कार्बोकैटायन है और ये हाइड्रोजन हमारा लगा हुआ है। फर्दर वाटर से हम करा रहे हैं तो H2O वाटर भी होगा सॉल्यूशन में, ठीक। H2O के पास क्या है, लोन पे है, और इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है लोन पेयर्स है। तो ये क्या करता है कि इसके अटैक होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल जो है, जिससे कि यहाँ पर ओ एच एच और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये क्या डोनर है और ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जब रेजोनेंस आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ऑक्सीजन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज उसको डीस्टेबल करते हैं, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, कोई भी ये वाली या ये वाली कोई भी एक हाइड्रोजन जो है बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इसको ब्रेक करके खुद की ओर ब्रेक कर लेगा और H प्लस जो है सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये होता है आपका क्या मैकेनिक, ठीक। और डायरेक्टली आप एडिशन रिएक्शन से मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको कोई गिवन है आपकी इसको रिएक्शन करानी है H+H2O, आपको पता है कि ये मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आपके रिएजेंट में एक H प्लस होगा और दूसरा OH माइनस, H प्लस कहाँ जाकर लगेगा, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट हो डबल बॉन्डेड में, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है यहाँ पर वन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लगेगा H, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और OH माइनस कहाँ लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा OH, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया, ये एक बेसिक एग्जांपल था। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, H+H2O अगेन एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ वाटर कुछ इस तरह से होगा, यहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे जीरो है तो यहां पर OH लग जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CH, ये आपका आंसर, ठीक है। बेसिकली आपको ये मैकेनिज्म जो नहीं आया था वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है कि आप
हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करें। ये अंडरस्टूड रहता है कि वाटर है और एच प्लस है, ठीक है, आपके सॉल्यूशन में एच प्लस है प्लस वाटर है, तो वो रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन ही बनाएंगे, ठीक है। ये पहले से अंडरस्टूड होता है, अब जरूरी नहीं है कि मैकेनिज्म में हाइड्रोनियम आयन बनाए, आप डायरेक्टली एच प्लस से रिएक्शन आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।